भाई साहब क्या बात है? क्या बात है भाई? भाई साहब मैं काम के लिए आया हूँ। काम? वो भी इसी वक्त? क्या तुम लोगों को नहीं पता है यहाँ क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता भाई साहब। अरे भाई अभी लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये क्या है भाई साहब? मतलब COVID-19 नाम की बीमारी केरला में भी रिपोर्ट किया गई है, समझा? इसलिए वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। बाहर निकालने, काम पे जाने, 5 लोगों से ज्यादा जमा होने पर रोक है। तो क्या दुकान ही खुलेगा? रेशन की दुकान खोलता है? रेशन खरीदने के लिए मुझे पैसे नहीं है भाई साहब। इसके लिए जरूरी मदद सरकार करेगी तो भोजन की कमी नहीं होगी, काम की चिंता करने का भी जरूरत नहीं होगा। सच है भाई साहब? हाँ छोटू कहाँ रहते हो? हम लोग चुंगन दुकान के ऊपर कमरे लेकर। बाकी लोग कहाँ है? सब लोग टाउन चले गए। अभी टाउन में एक साथ नहीं जा सकता है। ये कैसे फैलता है? जब भी जरूरी सामान लेने के लिए टाउन जाने पर मास्क पहनकर जाना, साथ ही लोगों के बीच में मत जाना, मास्क की जगह रुमाल भी इस्तेमाल कर सकता है। बाहर जाकर आने के बाद इस बात का भी ध्यान देना, हाथ और शरीर अच्छे से साफ करने के बाद अंदर जाना, साबुन से करीब 20 सेकंड तक अच्छे से धोना है। उसके अलावा हथेली, उसके ऊपरी भाग, उंगलियों के बीच में सब साबुन से धोना है। ऐसे छींकते और घांसते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करना। साथ ही यदि सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो अपना हेल्थ सेंटर जाना जरूरी है। बाहर जाकर कमरे में आने के बाद बस नहीं, बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद, खांसने छींकने के बाद, खाने के पहले और बाद, घेलने के बाद, किसी बीमार लोगों से मिलने के बाद भी हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। ये बीमारी हवा से इंसानों और जानवरों से फैलता है, इसलिए दूसरों से बात करते वक्त 1 मीटर से ज्यादा दूरी रखना है। ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सरकार हमारे साथ है। कोरोना के बारे में डरने को कोई बात नहीं, आपकी सुरक्षा और मदद के लिए सरकार हमेशा आपके साथ है। कोई जरूरत पड़े तो दिशा की हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर दीजिए। दिशा के हेल्पलाइन नंबर 1056 है। हम आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जरूरतों को निभाने के लिए हमेशा तैयार है।